कृष्ण सर यूट्यूब चैनल एंड कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप पे आप सभी का स्वागत है। यह जो सेशन है आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में भी हम लोग क्या देखेंगे, यह सिक्स क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास का जो आपका एनसीईआरटी साइंस का बुक है, उन साइंस का बुक से आपके जो भी है एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं और वे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके अभी तक के एग्जामों में वहाँ से क्वेश्चन उस टॉपिक से आया है और आगामी एग्जाम में भी आने की संभावना है। अभी तक जो टॉपिक इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, जिस टॉपिक से 30 एमसीक्यू लिए गए हैं, यह आज आपका एनसीईआरटी 6 से 12 तक का पार्ट वन है, यानी पहला क्लास है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। जिस टॉपिक से यह क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, जिन जिन टॉपिकों से और जो क्वेश्चन लाए जाएंगे, वे सारे के सारे हूबहू आपके एग्जाम के आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं, उन आगामी एग्जामों के क्वेश्चन पेपर में यहाँ से साइंस से क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। यह इस प्लेटफॉर्म पर जो भी टॉपिक कराए जाते हैं या जो भी टॉपिक अभी तक कराए गए हैं, वहां से लगातार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज से इस प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी टॉप 30 एमसीक्यू साइंस का कराया जाएगा और यह क्लास 6 से 12 तक का एनसीईआरटी बुक से ही होगा और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए हम लोग समय गंवाए बिना अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यह जो आपके सामने क्वेश्चन खुला है, यह आपका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन भी क्या है ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एफपीएस, देखिए एफपीएस क्या बात हो रहा है, एफपीएस एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक है। एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय का मात्रक है एफपीएस प्रणाली। देखिए जो आपके मापन की जो प्रणाली है, इसमें हम लोग देखेंगे एक होता है एफपीएस, एक होता है आपका सीजीएस और एक होता है एमकेएस। अब इसमें ज्ञात क्या किया जाता है, द्रव्यमान समय और दूरी। देखिए द्रव्यमान समय और दूरी, क्या चीज, दूरी, तीन चीज इसे ज्ञात करेंगे। तो अगर एफपीएस पद्धति का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो यह आपका दूरी का हो गया, यह जो है द्रव्यमान का हो जाएगा और तीसरा नंबर यह आपका समय का हो जाता है। क्या देखिए, पहला नंबर दूरी का, तो दूरी का क्या हो जाएगा, एफपीएस पद्धति में दूरी को किसमें नापेंगे, तो फीट में। द्रव्यमान को किसमें नापेंगे, तो पाउंड में। और समय को किसमें नापेंगे, तो सेकंड में। यह जो क्वेश्चन था आपका द्रव्यमान और समय पूछ रहा था, मात्रक बताना था एफपीएस पद्धति के अनुसार। तो द्रव्यमान का आप लोग देखे हैं पाउंड, द्रव्यमान के लिए क्या देखे, पी से पाउंड, द्रव्यमान का क्या जाएगा, पी से पाउंड, एस से सेकंड और समय का सेकंड। यानी देखिए यह आपका क्लास 11th एनसीईआरटी से है और चैप्टर 1 मात्रक जो आता है टॉपिक, उस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। तो एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय का मात्रक आप देख लिए, द्रव्यमान का पाउंड हो गया और समय का सेकंड हो गया, दूरी का कहता तो फिट हो जाता है क्योंकि एफ से हो गया फिट। अब सीजीएस पद्धति में हम लोग देखेंगे दूरी का, जो हम लोग देखेंगे सी से सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम हो जाएगा और समय का सेकंड हो जाएगा, यह सीजीएस पद्धति के अनुसार हो जाएगा। वैसे ही एमकेएस पद्धति के अनुसार दूरी का मीटर, द्रव्यमान का केजी किलोग्राम, केजी से के से किलोग्राम और एस से सेकेंड। यानी आप देखें कि एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, तीनों पद्धति में अगर समय का मात्रक आपसे क्वेश्चन आए तो समय का मात्रक सेकंड होता है। दूरी का हम लोग देखें एफपीएस में एफ से फीट हो जाएगा, सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाएगा और एमकेएस में मीटर हो जाएगा। जबकि द्रव्यमान का हम लोग देख लेंगे एफपीएस में पी से पाउंड, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, सीजीएस में जी से ग्राम, ग्राम में देखते हैं और एमकेएस में हम लोग देख लेंगे द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा। तो आप देखें एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, और आपका क्वेश्चन था एफपीएस पद्धति के अनुसार द्रव्यमान और समय, जिसका पाउंड और सेकंड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को बता दिया गया है, आप बुक खोलिए और उस बुक में देखिएगा। तो देखिए यह आपका क्लास 9th का है एनसीईआरटी बुक से और चैप्टर 7, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी आपको कराया जा रहा है। एनसीईआरटी बुक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामों में आए हैं और आने की संभावना है, वहीं से आपको कराया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, त्वरण, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वह त्वरण होता है। तो देखिए वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरा प्रारंभ में कोई वेग होगा और अंत जो है मेरा कोई वेग होगा, अंतिम वेग होगा, दोनों का अंतर कर लेंगे और उसमें समय से भाग करेंगे, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा, ए आपका त्वरण हो गया, एक्सीलरेशन। यह आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, यह आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा और यह जो है आपका अंतिम वेग हो जाएगा। यह यू जो है आपका प्रारंभिक वेग हो गया, भी आपका अंतिम वेग, इसमें जो वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ वही आपका त्वरण हो जाएगा, यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा।
वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। यह आपका फॉर्मूला हो गया, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा समय, यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए यह क्लास 9th एनसीईआरटी से है और चैप्टर भी आप लोग को यहाँ पे पुट कर दिया गया है, जिससे आपको यह चैप्टर भी खोजने में दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कुट का प्रयोग करके उचित उत्तर दीजिए। देखिए यह भी आपका जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही है और एनसीईआरटी बुक में भी आप क्या देख रहे हैं, यह आपका क्लास 11th यानी 11वां का क्लास चैप्टर 4 से एनसीईआरटी। देखिए आपको जो थंबनेल में दिखाया गया कि एनसीईआरटी, यह नहीं लुभाने के लिए दिखाया गया ना, यह आपको बताने के लिए दिखाया गया कि यह जो इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही होंगे। क्वेश्चन में क्या है, जड़त्व के प्रकार, देखिए यह जड़त्व के प्रकार दिया है, दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, और इधर उसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिया हुआ है। अब दिशा का जड़त्व में क्या होगा, दिशा के जड़त्व में हम लोग देख लेंगे कि कोई वस्तु जो है वह किसी दिशा के तरफ जा रही है और अचानक मुड़ती है और उसमें जब परिवर्तन होता है तो इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में देख लेंगे, बस, बस के मुड़ने पर यात्रियों को बाहर की ओर झुकाव, यानी बस एक दिशा में जा रहा है और एकाएक वह मोड़ पे एक वृत्ताकार या वर्गाकार मोड़ पे मुड़ता है तो उसमें जो व्यक्ति बैठे रहते हैं वह केंद्र से बाहर की ओर झुकते हैं। तो यह जो जड़त्व होता है आपका, यह जड़त्व का नाम है दिशा का जड़त्व। क्या हो जाएगा, दिशा का जड़त्व। बस के मुड़ने पर यात्री का बाहर की ओर झुकाव जो होता है यह किसका एग्जाम्पल है, तो दिशा का जड़त्व का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे कि एक कंबल है और उस कंबल को अगर हम छड़ी से पीटते हैं तो उसमें से जो गंदगी होती है वह नीचे की तरफ फर्श पर जो होते जा पड़ती है, तो फर्श पर जाने में यह जो अवस्था शो कर रहा है यह विराम, यानी कंबल में जो गंदगी था वह विराम अवस्था में था। तो आप देखिए विराम का जड़त्व, तो विराम के जड़त्व में देख लेंगे क्या, कंबल को पीटने पर धूल के कणों का अलग होना और अलग होकर फर्श पे वह बैठ जाते हैं धूल के कण, तो यह आपके किसको दर्शाते हैं, तो यह आपके विराम के जड़त्व को दर्शाते हैं। किसे, विराम के जड़त्व को दर्शाते हैं। और गति के जड़त्व, कोई वस्तु गति कर रहा है, देखिए तेज दौड़ते हुए घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिरता है, आगे की ओर गिरना, एक घुड़सवार जो है घोड़ा जो है घोड़ा घुड़सवारी करने के दौरान घुड़सवार घोड़ा गति कर रहा है और एकाएक वह रुक जाता है तो घुड़सवार आगे की तरफ गिर जाता है। यह जो एग्जाम्पल है आपका गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। तो आप मैचिंग देख लिए होंगे, क्या हो जाएगा इसका जवाब, ए का आप देखे हैं 2 और बी का आप देखे हैं 1 और सी का आप लोग देखे हैं यही, यानी 2 1 3 2 1 3 जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यह देखिए एनसीईआरटी 11th चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है यह सारे के सारे अभी तक के एग्जाम में तो यह क्वेश्चन दिखे हैं, आगामी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन दिखने वाला है। तो आप इसे सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक समझिए, पढ़िए, देखिए और बनाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या क्रियाओं में स्थित ऊर्जा संग्रहित है। देखिए इसमें आपको बताना है, इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सी क्रिया या क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा क्या है, संग्रहित है, यानी किसमें संग्रहित है, कैसी स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग देखेंगे तीर को धनुष की डोरी पर रख खींचने, देखिए तीर को धनुष के डोरी पर, तीर को कहां, धनुष की डोरी पर रख कर खींचने में संचित ऊर्जा में क्या होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी खिलौना वाले कार में चाबी भरने पर जो ऊर्जा प्राप्त होता है यह भी आपका स्थितिज ऊर्जा, उसकी कमानी से संचित ऊर्जा, ठीक है, यानी स्थित ऊर्जा जो ऊर्जा होता है चाबी भरने के दौरान, ये कौन सा ऊर्जा होता है, स्थित ऊर्जा। स्प्रिंग में खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा, स्प्रिंग के खींचने पर, स्प्रिंग को जब खिंचाव करते हैं तो उसमें भी जो होता है वह आपका स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। यानी अगला देख लेंगे, बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा, देखिए बहती हुई हवा में जो निहित ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है। आपको बताना था स्थितिज ऊर्जा के बारे में, किसके बारे में बताना था, आपको बताना था स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो आप देखे कि तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, खिलौना में चाबी भरने पर स्थितिज ऊर्जा होगा और स्प्रिंग को खींचने में भी स्थितिज ऊर्जा होगा, लेकिन बहुत ही हवा में निहित ऊर्जा जो होता है यह गतिज ऊर्जा होता है। आपको बताना था इसमें से कौन होगा, तो इसमें आपका 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा और 3 नंबर होगा, 1 2 3, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए यह जो है, यह जो टॉपिक कराया जा रहा है एनसीईआरटी साइंस टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस, यह क्वेश्चन जो कराया जा रहा है आपके किन किन एग्जामों में यह काम आने वाले हैं। तो देखिए यह जो एग्जाम है आपका, आपका जो एग्जाम होने वाला है वह BPSC SSC सब इंस्पेक्टर स्टेट NTPC यानी रेलवे ऑल कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सभी एग्जामों के लिए यह सेशन महत्वपूर्ण है। और आप फिर देखिए यह जो क्वेश्चन है आपका, यह क्लास 9th
एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी। साथ ही साथ यह तमिलनाडु बोर्ड में क्लास टेंथ यूनिट फर्स्ट में यह टॉपिक दिया हुआ है। और यह जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे थे अभी तक एग्जाम में एनसीईआरटी से, आप लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में किस टॉपिक पर किस पर विशेष जोर देना है। तो इसलिए आप सभी के बीच जो भी यह 30 साइंस एमसीक्यू का क्लास जो लाया गया है, यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। और आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और अभी तक यहाँ से क्वेश्चन दिखे हैं। क्वेश्चन में क्या है आपका, निम्न कथन किस महान वैज्ञानिक से संबंधित है। यह जो कथन है किस महान वैज्ञानिक के बारे में कहा गया है, तो गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन, देखिए गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन आपको पता है किसने दिया था, न्यूटन महोदय जी दिए थे। खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना, देखिए खगोलीय दूरदर्शी यह न्यूटन महोदय जी का है। और कलन यानी कैलकुलेशन, कलन मीन्स कैलकुलेशन यानी गणित की एक शाखा है, कलन यानी कैलकुलेशन, गणित की एक नई शाखा कलन यानी कैलकुलेशन की खोज भी यह आपके न्यूटन महोदय जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूटन महोदय के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, न्यूटन महोदय के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन समुद्र में तैरने के संदर्भ में सत्य है। देखिए समुद्र में तैरने के संबंध में सत्य आपको बताना है। अभी तक जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह सारे के सारे क्वेश्चन आपका भौतिकी से है। तो निम्न में से कौन सा कथन समुद्र में तैरने के संदर्भ में सत्य है, देखिए यह भी आपका एनसीईआरटी है, क्लास 11th चैप्टर 9। समुद्र में तैरने के बारे में कौन सा कथन सत्य है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। देखिए समुद्री जल में लवणता यानी नमक होने के कारण समुद्री जल का जो घनत्व होता है वह नदी की जल से ज्यादा होता है, इसलिए कोई वस्तु उसमें आसानी से तैरता है। और यही जवाब हो जाएगा आपका, आगे नहीं देखना है, आगे ना देखिए, बस जहां आंसर मिल जाए वहीं हो गया। क्या है, समुद्र में नदियों की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन यानी इसमें लवण ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण आपका जो है क्या होता है, इसका जल का घनत्व जो होता है ज्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी गई है क्योंकि, ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है आपको, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर, देखिए पारा जो है यह -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है जबकि एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ठीक है। तो ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी गई है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, क्या होता है, निम्नतर होता है यानी सबसे निम्न होता है पारे की अपेक्षा, देखिए पारे की अपेक्षा। तो यह तापमान जो है काफी निम्न होने पर, काफी हिमांग होने पर भी यह जो एल्कोहल है यह द्रव अवस्था में ही होता है, इसलिए ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यह पारे का -39 डिग्री तापमान है पर यह क्या होता है, जम जाता है, जबकि यह -115 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको टॉप 30 एमसीक्यू कराया जा रहा है और ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लिया जा रहा है क्योंकि जब टॉपिक कराएंगे जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन कराए जाते हैं वहाँ पे आपको डीप में समझाया जाएगा। अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम हैं और उन एग्जामों को देखते हुए यह टॉप 13 एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज को लाया गया है जो कि काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सरल लोलक के आवर्त के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सरल लोलक जो होता है यानी लोलक का जो आप देखिएगा लोलक का आवर्तकाल जो होता है, किसका, लोलक का आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल जो है यानी टी बराबर क्या हो गया, 2π√L+g। यह देखिए इसमें है क्या, ध्यान दीजिएगा, लोलक का आवर्तकाल जो होता है लोलक की लंबाई का समानुपाती होता है यानी लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल जो होगा यह बढ़ेगा, जबकि लोलक का आवर्तकाल और गुरुत्वीय बल जो है इसमें जो होता है, इसमें जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। लोलक के लंबाई को बढ़ाने पर, लोलक के आवर्तकाल के बढ़ने पर यह क्या होता है, कम हो जाता है, यह अपने आप में व्युत्क्रम है। लोलक का आवर्तकाल और गुरुत्व यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब आएंगे कथन पे हम लोग ध्यान दे देंगे, लोलक की लंबाई बढ़ने के साथ बढ़ता है क्या, बढ़ता है आवर्तकाल। देखिए यहाँ पे दिया है लोलक की लंबाई बढ़ने पर, अभी दिखाया है लोलक की लंबाई बढ़ेगा, एल लोलक का एल जो है यह लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल के बढ़ रहा था, तो बढ़ने पर बढ़ता है क्या, आवर्तकाल, यह कथन सही है। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है, देखिए यह कथन गलत है क्योंकि लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण में व्युत्क्रमानुपाती अनुपात होता है निर्भर करता है, यानी यह गलत है, यहाँ पे नहीं दे दिया इसके कारण यह गलत है।
लोलक के द्रव्यमान, देखिए इसमें द्रव्यमान का चर्चा नहीं हुआ है, आकार का चर्चा नहीं है, पदार्थ पर निर्भर करता है, यह गलत है। इसमें कहीं भी द्रव्यमान का चर्चा हुआ है, कहीं द्रव्यमान का चर्चा नहीं किया गया है। लोलक के आयाम, आयाम पे भी चर्चा नहीं किया गया है। यानी इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा वह सही कथन आपका एक हो जाएगा, केवल एक होने वाला है। क्या हो जाएगा? केवल इसमें कथन एक सही है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह भी क्वेश्चन जो है आपका देखिए एनसीईआरटी से है। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे के सारे पहले ही आपको बता दिया गया एनसीईआरटी, और यह भी क्लास इलेवेंथ का है, चैप्टर 14। क्वेश्चन में क्या है देखा जाए, अनुप्रस्थ तथा अनुधरय, देखिए यहाँ पे अभी मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, सारे इस टॉपिक को कराया जाएगा थ्योरी क्लास में, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपका समझ बढ़ाया जाए। देखिए जो आर्ट्स के विद्यार्थी होंगे क्या इलेवेंथ साइंस का बुक पढ़े होंगे, देखिए इलेवेंथ साइंस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए आपको थ्योरी क्लास में कराया जाएगा। अभी क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जल के पृष्ठ पर चलाई गई मोटर बोट, तो जल के पृष्ठ पे जो होता है यहाँ पे अनुधैर्य तरंग बनता है, अनुप्रस्थ, जल के पृष्ठ पर अनुप्रस्थ, और जल के अंदर जो बनता है वह अनुधैर्य बनता है। क्या बनता है? जल के पृष्ठ पर जब मोटर बोट चलाया जाता है तो जल का पृष्ठ जो होता है वहां पे जो तरंग उत्पन्न होता है वह आपका अनुप्रस्थ, और जल के अंदर अनुधैर्य, यानी आपका सी का क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, फिर देखेंगे द्रव से भरे किसी सिलेंडर में इसके पिस्टन को आगे पीछे करने के सिलेंडर में उत्पन्न तरंगे हैं, वे आपके अनुधैर्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुधैर्य हो जाएंगे। और किसी कमानी के सिरे को एक ओर विस्थापित करने पर उस कमानी के किसी एक विभंग ऐंठन की गति यह अनुप्रस्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनुप्रस्थ। यानी एक का आप देखे दो, दो का आप देखे तीन, और तीन का एक, यानी दो एक तीन, तीन एक जो है आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। किसमें है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ओम के नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह एनसीईआरटी आपका क्या है, यह भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है पहले ही आपको बता दिया गया, देखिए एनसीईआरटी, और यह 12वां क्लास का क्वेश्चन है, चैप्टर 1, ओम का नियम, यानी वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। ठीक है, अब इसको देख लेंगे हम लोग, ओम का नियम यही है, वी बराबर आई आर। तो ओम के नियम में हम क्या देंगे, देखिए किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर मैंने भी, उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा यानी आई, विभवांतर भी विद्युत धारा आई समानुपाती होता है। वेरी गुड, यानी देखिए यह समानुपाती है, यह क्या होता है, भी आई के, यानी आई के यानी आपका विद्युत धारा के जो विभवांतर होता है वह विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यह ओम के नियम में कहा गया है। यानी यह कथन जो है आपका सत्य है। अगला देखेंगे, यह नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातुओं के लिए लागू होता है, यह भी कथन सही है, क्योंकि यह जो है यह आपका अधात्विक, यह आपका अधात्विक और उपधातु पर इन दो पर लागू नहीं होता है। देखिए इन दो पर यह लागू नहीं होगा, अधात्विक और उपधातु पर लागू नहीं होता है। यह नियम केवल धात्विक चालकों मिश्र धातुओं के लिए लागू होता है, यानी दोनों कथन सही है। किस पे लागू नहीं होगा? तो यह अधात्विक और उपधातु पर लागू नहीं होता है। विभवांतर जो होता है वह विद्युत धारा का समानुपाती होता है, आप देख चुके हैं, यानी दोनों कथन सही है। और देखिए यह क्लास 12 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यानी इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यह जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा, चुंबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में विचार कर रहे हैं? चुंबक के संबंध में। देखिए यह भी आपका एनसीईआरटी है क्लास 6, ठीक है क्लास 6, और तमिलनाडु बोर्ड में यह क्लास 9 के बुक में दिया हुआ है। चुंबक के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। मैग्नेटाइट, देखिए मैग्नेटाइट Fe3O4 यह आपका मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है। एक प्राकृतिक चुंबक है तथा इसमें लोहा पाया जाता है, यह सही है। मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है, कंफर्म सही है। मैग्नेटाइट हेमेटाइट ये लौह अयस्क में आते हैं। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है वे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने के गुण होते हैं वे चुंबक कहलाते हैं, यह भी कथन सत्य है। ठीक है, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, यहाँ पे यह गलत है, आकर्षित नहीं करते हैं। दो चुंबकों के समान जो ध्रुव है, जब दो चुंबकों के ध्रुव समान हो जाएंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। यहाँ भी गलत, उल्टा लिख दिया है। यह बात यहाँ लिखा रहता तो सही हो जाता, और यह बात यहाँ लिखा रहता तो यह कथन सही हो जाता। यानी यहाँ पे आपका अगर लिखा रहता
प्रतिकर्षण, और यहां पर लिखा रहता आकर्षण, तो यह भी कथन सही हो जाता है, लेकिन यह कथन आपका गलत है। क्या है? यह कथन आपका गलत है, शब्द के कारण उलट फिर इसमें हो जाए तो यह कथन सही हो जाता। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपका कथन एक और कथन दो सही है, यानी इसका आंसर जो है वह आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर इसका होगा वह बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 8 एनसीईआरटी के बुक में यह मिल जाएगा। यह क्वेश्चन ना मिलेगा, यह टॉपिक मिलेगा, क्वेश्चन तो बनाया गया है। तो क्लास 6 एनसीईआरटी, पारभासी वस्तुएं अपने अंदर से पूर्णतः प्रकाश को जाने देती है। यह गलत है, पूर्णतः नहीं, आंशिक प्रकाश को जाने देती है, पूर्णतः नहीं होगा, आंशिक। पूर्णतः पारभासी वस्तुएं जो है अपने अंदर से आंशिक प्रकाश को बाहर जाने देती है, पूर्णतः नहीं, गलत है, यह कथन गलत है। पारदर्शी, देखिए पारदर्शी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है, यह कथन सही है। पारदर्शी में अधिकांश चीज बाहर, प्रकाश बाहर चले जाते, अधिकांश, अधिकतर, सही है। अपारदर्शी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है, अपारदर्शी पहले ही लगा दिया है, पारदर्शी तो जाने देगी पूर्ण रूप से, लेकिन पारदर्शी ना, अपारदर्शी यानी आर पार नहीं हो सकता है, तो यह भी कथन क्या है? गलत है। दीप्त वस्तुएं अपने अंदर प्रकाश को जाने देती है, यह भी कथन, दीप्त वस्तुएं प्रकाश को जाने नहीं देती है, खुद प्रकाश छोड़ती है, ठीक, तो यह भी कथन गलत है। इसमें सत्य क्या है? तो इसमें कथन सत्य जो होगा दो नंबर, और इसका जवाब आपका बी केवल दो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल दो आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह भी आपका क्लास 12 एनसीईआरटी के बुक से है, चैप्टर 12 में है। फोटोसेल, देखिए फोटोसेल का उपयोग ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए किया जाता है, फोटोसेल ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए किया जाता है, सत्य है। फोटोसेल का उपयोग गणना उपकरण में किया जाता है, यह भी कथन सत्य है। फोटोसेल का उपयोग चोर अलार्म के लिए भी किया जाता है, यह भी कथन सत्य है। यानी इसमें आपका एक दो तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दो तीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर क्या करना है आपको? विचार करना है। यह भी देखिए आपका जो है क्वेश्चन, देखिए जो भी क्वेश्चन है पूछा हुआ है, यह सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 14 से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक में प्रतिरोध शून्य हो जाता है, गलत है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत, देखिए परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है, और चालकता जो होता है इसका शून्य हो जाता है, अर्धचालक की चालकता जो है वह अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है, जबकि विद्युत प्रतिरोध इसका अनंत हो जाता है, यह कथन सत्य है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किसमें दिया है? आपके कथन बी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। चंद्रमा की कलाओं, देखिए आपका क्या दिया हुआ है यहां पे, जो है चंद्रमा की कलाओं को घटने का कारण यह है कि चंद्रमा का अलग अलग जो स्वरूप दिखता है वह किसके कारण होता है? यह देखिए आपका क्लास 8 एनसीईआरटी का है। तो चंद्रमा में अलग अलग तरह की घटना जो थे, स्वरूप अलग अलग जो दिखते हैं, इसका कारण यह है कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य और अन्य तारों के प्रकाश से उनका स्वरूप में चेंजिंग होता है। तो इसका हम लोग देख लेंगे। हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है, देखिए क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। आणविक संरचना, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आणविक संरचना, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए पूरे पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन जब भी आप बनाए पूरे पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। यह देखिए क्लास 9th एनसीईआरटी, उसके बाद से 11th एनसीईआरटी के बुक में यह क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। आणविक संरचना में हम लोग देखेंगे कि एक परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और यह किस ऑप्शन में है? तो यह जो है देखेंगे न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता है, गलत है। अभी आप लोग को क्या बताया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है यह नाभिक में होते हैं, और इसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो यह गलत है। दूसरा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह आपका कथन क्या है? सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है यह परमाणु के नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में चक्कर लगाता है, यह आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यह भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है।
या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर आप एग्जाम हॉल से ऐसे आपके माइंड में ना हो जाए कि बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं बनेंगे, या क्वेश्चन जो आया सिर्फ कथन पे ही आया है इसलिए हम नहीं बना पाएंगे, ऐसे नहीं डरना है। इसलिए ही आप लोग को जितने बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बन पाया है, जितना बड़ा से बड़ा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है आपके बीच लाया गया है, सुमेलित वाले क्वेश्चन भी लाया गया है, तो आप इसको बहुत ही शिद्दत से देखिए इस वीडियो को और समझिए, पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। निम्नलिखित सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करना है और यह भी आप देख रहे हैं, यह आपका जो है यह आपका 8 क्लास एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना। देखिए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का जो जलना है, मोमबत्ती जलेगा तो वह मोम बन जाता है, जलने के बाद मोम बनता है, मोम से पुनः मोमबत्ती हम लोग बना लेंगे। लेकिन मोमबत्ती जब जलता है तो प्रकाश और ऊष्मा निकलता है, तो प्रकाश से हम ऊष्मा निकलना यह रासायनिक परिवर्तन हो गया, लेकिन मोमबत्ती जलकर मोम बन गया यह आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। तो मोमबत्ती के जलना में दोनों आ जाएगा, भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन हो जाएगा, यानी एक का दो हो गया। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना, विद्युत बल्ब का तंतु यानी जब उसे विद्युत बल्ब को विद्युत मिल रहा है तो वह प्रकाश दे रहा है, नहीं मिल रहा है प्रकाश नहीं दे रहा है, यानी यह किस प्रकार का परिवर्तन है, तो यह एक प्रकार का परिवर्तन जो है यह भौतिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब विद्युत मिल रहा है चमक रहा है, नहीं मिल रहा है नहीं चमक रहा है, यानी वो अपने रूप में आ जा रहा है रिटर्न, तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे मैग्नीशियम का तार का जलना, देखिए मैग्नीशियम का तार का जलना जो है यह आपका रासायनिक परिवर्तन है, जबकि लोहे पे जंग लगना यह तो एक संक्षारण है साथ ही साथ रासायनिक परिवर्तन है। क्या क्या है, यह एक संक्षारण है, लोहे पे जंग लगना एक संक्षारण है, साथ ही साथ क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक का दो, दो का दो नंबर का हम लोग क्या देखे हैं, तीन, यानी बी का तीन देखे हैं, सी का हम लोग देखे हैं एक, और डी का देख लिया हम लोग पांच, यानी दो तीन एक पांच, दो तीन एक पांच, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किसमें है, आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, देखिए यहां से जो है यह जो है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देखिए आपका क्लास 10 एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के परिणामों के आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद यह रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं, क्या जाते हैं, बदल जाते हैं। यह कथन जो है सही नहीं है, यही कथन जो है सही नहीं है, और यही आपको बताना था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं होगा वह आपका केवल दो नहीं होगा, केवल एक कथन क्या है, सत्य है, सही नहीं बताना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आवर्त सारणी जो है मेंडलीव की है, मोसले की आवर्त सारणी यानी आधुनिक पीरियोडिक टेबल है वो मोसले का है, और आवर्त सारणी शुरुआत जो है मेंडलीव का है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के संदर्भ में कथन कौन सा सही है, उस पर विचार करना है। देखिए सही कथन पर क्या है, इसमें मेंडलीव ने तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया था, सही है। कथन क्या है, सही है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे, यह भी कथन सही है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया था। देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं था, यह गलत है। यानी सही क्या क्या है, तो इसमें आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड यानी पहला और दूसरा कथन सही है। यह जो अक्रिय गैस आपका है, अक्रिय गैस जो है इसका चर्चा आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोसले के द्वारा तैयार किया गया उसमें अक्रिय गैसों का स्थान है वर्ग 18 में, इसमें वर्ग 18, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हमारा ध्यान दीजिएगा, सूची एक को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट की सहायता का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। यह आपका क्लास 10 एनसीईआरटी, क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से है। क्वेश्चन में देखिए फॉर्मिक अम्ल, देखिए फॉर्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला आपका होता है वह हो जाता है HCOOH, यह फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। टार्टरिक अम्ल C6H6O6, यह आपका टार्टरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यह आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। अब हम लोग देखेंगे मिलान करना है, फॉर्मिक अम्ल जो है फॉर्मिक अम्ल का हम लोग मिलान कर देंगे। यह आपका चीटी का डंक
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी, यह मैच सही है। टार्टरिक अम्ल जो है, यह टार्टरिक अम्ल आपका इमली और अंगूर में, किसमें? टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह आपका साबुन बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में, तो मैच जो कराया गया था फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में, यानी एक का एक हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में, दो का दो हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल जो है यह आपका इमली और अंगूर में, यानी सी का आपका जो है यह सी वाले का क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, साबुन तो साबुन यानी किसमें आपका है, तीन में, यानी एक दो चार तीन, एक दो चार तीन, एक दो चार तीन, यह आपका ऑप्शन ए में दिया है, एक दो चार तीन, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यह देखिए, यह आपका चैप्टर टू क्लास टेंथ एनसीईआरटी और चैप्टर फोर क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी से आधारित है। और इसमें आप फॉर्मूला भी देखे हैं, फॉर्मिक अम्ल का एच सी डबल ओ एच, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, टैट्रिक का आप देखें टैट्रिक अम्ल का सी सिक्स एस सिक्स ओ सिक्स, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखें एन ए ओ एच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। धातुओं के संदर्भ में क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन जो है आपका धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। देखिए सबसे पहले तो यह ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़िए एग्जाम हॉल में, इतना तेजी ना करिए कि आप यह क्वेश्चन में यह ना देख पाए कि सही है कि गलत है पूछा गया है, क्योंकि आपका जानता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपके तेजी के कारण। आप जो भी क्वेश्चन को बनाइए सावधानी पूर्वक पहले क्वेश्चन को ध्यान से एक से दो बार पढ़िए। धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, धातु के संदर्भ में आपको सही बताना है। तो देखिए धातु के संदर्भ में हम लोग जो देखेंगे, क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए क्षारीय धातु हम लोग देखेंगे, आपका आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग एक है जिसमें आप देखते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम आदि, यह जो देख रहे हैं यह क्षारीय धातु में आता है, और यह चाकू से इसे काटा भी जाता है आसानी तौर पर, तो यह मुलायम होता है इसीलिए ना चाकू से कट जाता होगा, यानी यह कथन जो है आपका सत्य है। जितने भी धातु हैं, जो भी आपके धातु है, वे सामान्य ताप, कमरे के सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप एचजी यानी पारा यानी मरकरी जो है यह सामान्य ताप पर, कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दूसरा कथन देखेंगे, मरकरी यानी पारा एचजी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, या दोनों कथन सत्य है कि एक सत्य है, इसमें दोनों कथन सत्य है, तो क्या हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन क्या है सत्य है। ध्यान से सावधानी पूर्वक और प्रेम से एक एक क्वेश्चन को समझिए, बनाइए और आगामी एग्जाम में बैठिए, देखिए आपका 100% क्वेश्चन इसी वीडियो से रहेंगे और इसी क्वेश्चन में से हूबहू क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यह क्या है, अधातुओं, देखिए अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और धातु के बारे में कौन सा कथन सही है इसको बताना है, और धातु के बारे में कौन सा कथन सही है इसको आपको बताना है। यह भी आपका क्लास टेंथ एनसीईआरटी से है और चैप्टर थ्री में आपको यह टॉपिक मिल जाएंगे। कौन सा और धातु के बारे में कथन सही बताना है, और धातुएं कन्य होती है गलत है, धातुएं जो होती है, देखिए धातु जो है, धातुएं जो होती है यह तन्य होती है, और धातुएं आघात वर्ध होती है यह भी गलत है, यह गुण किसका है धातु का, यहाँ पे और धातु दिया इसलिए गलत है, यहाँ पे अगर धातु दिया रहता तो यह कथन सत्य हो जाता, ठीक है। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, यह कथन सत्य है। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, जबकि ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। अधातुएं विद्युत विद्युत धनात्मक होती है, यह भी आपका अधातु लिखा इसलिए गलत है, यह भी कथन धातु के बारे में। देखिए यह तीनों जो देखें आप लोग, धातु तन्य होता है, अगर धातु तन्य होता है न कि अधातु, धातु अघात वर्ध होता है और धातु विद्युत का धनात्मक होता है, इसका अपोजिट ले लीजिए वह सारे अधातु में गुण हो जाएंगे, यानी अधातुए तन्य नहीं होते हैं, अधातुए अघात वर्ध नहीं होते हैं, और अधातुए विद्युत के ऋणात्मक होते हैं धनात्मक नहीं, यह जो तीनों गुण देख रहे हैं यह धातु का यहाँ पे आपका अधूत दिया था, और यह आपका आंसर सही हो जाएगा कि इसमें जो कथन कहा गया सही है। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुए ऊष्मा और विद्युत के क्या है, ऊष्मा और विद्युत के जो है यह आपके कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर जितने भी अधातु हैं, जबकि ग्रेफाइट जो है यह अधाते अधातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है, क्या है सुचालक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, निम्नलिखित सूची एक और सूची दो को मिलान कीजिए, सूची एक और सूची दो को मिलान करना है, ध्यान दीजिएगा,
सूची एक देखिए, यह भी आपका क्लास एट एनसीईआरटी और आरएएस आरटीएस प्री 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह जो होता है देखिए यह ईंधन गैस है और इसके प्रमुख यह घटक है। तो सीएनजी जो है, सीएनजी यह आपका मीथेन और एथेन, यानी सीएनजी के प्रमुख जो घटक है, सीएनजी ईंधन गैस के मीथेन और एथेन जो है यह सीएनजी के प्रमुख घटक है। एलपीजी के प्रमुख घटक में हम लोग देखेंगे, एलपीजी के प्रमुख घटक में क्या जाएंगे तो ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी में क्या आएंगे, ब्यूटेन और प्रोपेन, यह एलपीजी के प्रमुख घटक है। कोल गैस जो होता है इसमें प्रमुख घटक के तौर पर हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें होता है, कोल गैस में। जबकि वाटर गैस यानी जल गैस जो होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, वाटर गैस यानी जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। यानी हम लोग क्या देख लिए, सीएनजी जो देखे थे इसमें आप मीथेन और एथेन यानी तीन नंबर, एलपीजी में देखे ब्यूटेन और प्रोपेन यानी दो नंबर, कोल गैस में आप देखे हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी चार नंबर, वाटर यानी जल गैस जो होता है इसमें आप लोग देखे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी एक नंबर। अब इस तरह का ऑप्शन आपका कहाँ दिया हुआ है, 3241 जो है यह आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। किसमें है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, देखिए निम्न कथन जो है इस पर विचार करना है और यह कथन क्या है इसको ध्यान से देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यह भी आपका देखा जाए तो यह क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से है, चैप्टर 10, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 10 से है। मोनोसेकेराइड सरल कार्बोहाइड्रेट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट में हम लोग देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया गया है। और कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड जो ग्रुप है, यानी मोनोसेकेराइड जो ग्रुप है उसमें जो आता है कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है, स्वरूप है, प्राथमिक, वो मोनोसेकेराइड है। इसमें आपका ग्लूकोज आता है, क्या आता है, ग्लूकोज आता है, गैलेक्टोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, मैनोज आता है, ट्राइओज आता है, ट्राइओज आता है। यह सारे के सारे जो है यह कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड के उदाहरण है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज और ट्राइनोज, ट्राइओज। अब हम लोग देखेंगे यह फॉर्मूला में C6 कर देंगे, H12 और O6 कर देंगे, यह ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा, वैसे ही ग्लैक्टोज का, फ्रुक्टोज सबका हो जाएगा। अब हम लोग देखें मोनोसेकेराइड जो है यह सरल कार्बोहाइड्रेट है, यह कथन सही है। अब ग्लूकोज का स्वाद कैसे होता है आप लोग बता ही सकते हैं, यानी मोनोसेकेराइड का ही पार्ट है तो मोनोसेकेराइड में स्वाद कैसे होगा, ग्लूकोज का मीठा होता है, यह भी कथन सत्य है, ठीक है। मोनोसेकेराइड जलकर कोयला हो जाता है, यानी आप सुक्रोज होता है, आप ग्लूकोज को जलाइए यह किस रूप में आ जाएगा, कोयला के तौर पर हो जाएगा। और सकरा, ऐसे चीनी जलता है स्मेल आता है, वैसे ही इसका भी इसमें सकरा जलने की गंध हो देते हैं। मोनोसेकेराइड होता है यह जलकर कोयला हो जाता है और सकरा जलने की गंध देते हैं, यानी इसमें आपको बताना था तीनों बातों में सही क्या है। तो आप देखें पहला भी कथन सत्य है, मोनोसेकेराइड जो है यह सरल कार्बोहाइड्रेट है और मोनोसेकेराइड का स्वाद जो है यह मीठा होता है। मोनोसेकेराइड जलकर कोयले का रूप हो जाता है और सकरा के जलने के जैसे गंध देते हैं, यानी यह तीनों कथन सत्य है। यानी आपका जो जवाब हो जाएगा वह डी हो जाएगा, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 1 2 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और यह भी क्वेश्चन जो है आपका, देखिए यह भी आपका एनसीईआरटी 7th आईएएस प्री 1998 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम के बी आर, यानी यह रासायनिक सूत्र किसका हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड का। पोटेशियम नाइट्रेट यानी के एन ओ थ्री, यह किसका हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। पोटेशियम सल्फेट के टू एस ओ फोर, यह किसका हो गया, पोटेशियम सल्फेट का। और मोनो पोटेशियम टाइट्रेट यानी के सी फोर एच फाइव और ओ सिक्स, यह आपका हो गया मोनो पोटेशियम टाइट्रेट। अब बात क्या है, अब जो है मैच कराना है कि रासायनिक यौगिक जो है इसका प्रयोग कहाँ किया गया है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी के बी आर
इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट इसका प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बारूद बनाने, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। पोटेशियम सल्फेट जो है इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक में। किसमें? पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक में। और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं बेकरी में। इसमें बेकरी में यानी मैच जो कराया गया है, ए का क्या हो गया, ए का मैचिंग कराया गया है दो से, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड का। पोटेशियम नाइट्रेट का जो मैचिंग कराया गया है चार से, यानी पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में। पोटेशियम सल्फेट यानी उर्वरक के तौर पर यानी एक हो जाएगा। और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट जो है इसे बेकरी यानी थ्री, यानी 2413 जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 2413 जो कि आपके ऑप्शन ए यानी ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों में विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैस निकलती है, इन गैसों में मुख्य गैस कौन सी है? देखिए यह देखिए क्लास 8 एनसीईआरटी से है। पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों में विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैस निकलती है, इन गैसों में। देखिए पेट्रोल और डीजल के जलने पर कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, यानी कार्बन के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया। और पेट्रोल और डीजल पूर्ण रूप से जब नहीं जलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाएगा, यह भी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह फ्रिज से निकलने वाला गैस है, प्रशीतलक फ्रिज एसी, तो यह नहीं होगा इसमें। तो होने वाला कौन कौन है? पेट्रोल तथा डीजल पर आधारित वाहनों में विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक गैस निकलती है, यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब होता है? जब जब पूर्ण रूप से ईंधन का दहन न हो, पूर्ण रूप से ईंधन का दहन न हो। यह तीनों जो है पेट्रोल और डीजल आधारित वाहनों से निकलते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। और यह भी आपका देखिए, यह भी जो क्वेश्चन है आपका क्लास 8 एनसीईआरटी से है। इधर वैज्ञानिक का नाम दिया है और इधर संबंधित तथ्य है। थियोफ्रेटस जो थे, इन्हें थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा गया है। थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक है। कैरोलस लिनियस जो है यह आपके, कैरोलस लिनियस जो है यह वर्गीकी विज्ञान के जनक है, कैरोलस लिनियस। इवान ओस्की जो है यह भी आपके विषाणु विज्ञान के जनक है, जबकि लुई पाश्चर जो है यह जीवाणु विज्ञान के नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? जीवाणु विज्ञान के नहीं होंगे। और इसमें बताना था सुमेलित नहीं है बताना था, तो डी हो जाएगा। जीवाणु विज्ञान के जो जनक है वह लीवेनहॉक है, और लुई पाश्चर जो है यह पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी किण्वन से संबंधित आपके लुई पाश्चर है, किण्वन के जनक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चला जाए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन करना है, जब भी क्वेश्चन बनाना है आपको लास्ट लाइन जरूर देखना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नहीं है। देखिए क्लास 9th एनसीईआरटी, क्लास 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। एक कोशिकीय क्लैमाइडोमोनास बहुकोशिकीय में इष्ट, देखिए कवक जो होता है यह बहुकोशिकीय, कवक जो है कवक यह बहुकोशिकीय होता है, लेकिन अपवाद है इष्ट जो है इसका अपवाद है, यही आपका गलत है। इष्ट जो है अपवाद है, जो कि आपको अल्कोहल बनाने, ब्रेड बनाने, जलेबी बनाने में काम आते हैं इष्ट। यह इष्ट जो है कवक जो होता है आपका कवक, यह आपका बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल है, लेकिन इष्ट अपवाद में होगा, यह एक कोशिकीय होता है और यह यूकैरियोटिक में आता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, सही है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा में, यह भी सही है, यह भी सही है। तो गलत में आपका क्या है? यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। एपिथिलियम उत्तक के संदर्भ में सही कथनों पर चयन कीजिए। देखिए यह भी आपका एनसीईआरटी का जो बुक है, और एनसीईआरटी का बुक में हम लोग देखेंगे 11th क्लास 11th एनसीईआरटी। यह केवल एपिथिलियम उत्तक के संदर्भ में कथन का चयन कीजिए। यह केवल एक्टोडर्म से निर्मित होता है। यह त्वचा के निर्माण के साथ अंग के अस्तर आवरण का निर्माण करते हैं। यह अंतराकोशिकीय अवकाश विहीन उत्तक है। तो देखिए यह
यह अंतरिक्ष उसकी अवकाश विहीन उत्तक नहीं है। दूसरा, यह केवल एक्टो केवल लगा दिया है, इसलिए आपका यह भी गलत है। यहाँ पे अवकाश विहीन नहीं होगा, आंशिक रूप से होता है अवकाश विहीन, जबकि दूसरा कथन आपका सत्य है। यह त्वचा के निर्माण के साथ साथ अंगों के अस्तर आवरण का निर्माण करते हैं, यानी कथन दो है, केवल दो सत्य होगा। क्या होगा? केवल दो सत्य होगा। अगले पर हम लोग चलेंगे और अगला क्वेश्चन जो है आपका, ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए, क्लास 12 एनसीईआरटी। यह लक्षण है और यह न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए जो होता है, आरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। आरआरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। आरएनए टीआरएनए जो होता है, यानी ट्रांसफर वाहक का काम करेगा, यानी टीआरएनए जो होता है अमीनो अम्ल का वाहक है। ट्रांसफर आरएनए जो होता है यह अमीनो अम्ल का वाहक है। मैसेंजर आरएनए जो होता है यह मैसेज लेकर चलता है। डीएनए से प्राप्त अनुवांशिक सूचना का वाहक है। ट्रांसफर आरएनए जो होता है यह अमीनो अम्ल का वाहक है, जबकि मैसेंजर आरएनए जो है यह डीएनए से प्राप्त अनुवांशिक सूचना का वाहक। और डीएनए जो होता है यह आपके गुण सूत्रों का घटक है। डीएनए क्या है? यह गुण सूत्रों का घटक है, यानी आप क्या देखे, ए का दो, बी का तीन, सी का चार और डी का एक, यानी दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। और यह क्वेश्चन आप देखें एनसीईआरटी क्लास 12 से यह क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए अब जो है हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यह टॉप 30 साइंस एमसीक्यू के क्वेश्चन थे, जिसमें आपका 10 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसी सीरीज में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 10-10 क्वेश्चन जो कि आपके टॉप एमसीक्यू है, यह अभी तक एग्जाम में देखने को मिले हैं और आगामी एग्जाम में भी यह इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।